अगर आप माँ बनने वाली हैं तो आपके मन में ये ख्याल ज़रूर आता है कि आपकी आने वाली संतान लड़का होगा या लड़की होगा। जिनके पास लड़की है वो चाहते हैं कि उन्हें लड़का हो जाए, और जिनके पास लड़का है वो चाहते हैं कि उनके घर में लड़की आ जाए। और अगर जिनके पास ये दोनों भी है फिर भी उनके मन में ये जिज्ञासा रहती है कि उनके आने वाला बेबी लड़का होगा या लड़की होगा। दोस्तों, आप देख रहे हैं कुक विद रुकू और मैं हूँ रुकू। वेलकम टू माई चैनल। आज की इस वीडियो में मैं कुछ लक्षण बताऊंगी जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया है या बेबी बॉय को। और ये वीडियो किसी भी तरह से बेटा बेटी में भेदभाव को बढ़ावा नहीं दे रहा है, ये सिर्फ फन के लिए है, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनकी एक्साइटमेंट को शांत करने के लिए बनाया है। तो चलिए फटाफट से आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले लक्षण की बात करें तो अगर प्रेगनेंसी के 7वें 8वें महीने में आपको आपका पेट नीचे की तरफ झुका हुआ नज़र आता है तो इसका मतलब यह है कि बेबी ने हेड डाउन कर लिया है। और अगर इस टाइम पर बेबी हेड डाउन कर लेता है तो ये माना जाता है कि गर्भ में बेटा है, क्योंकि बहुत सी महिलाओं को 9वें महीने में डिलीवरी के टाइम बच्चा हेड डाउन करता है। तो इस बात से भी अनुमान लगाया जा सकता है कि गर्भ में पलने वाला बच्चा बेबी बॉय है। अगले सिम्टम्स की बात करें तो आपने वेट ज़्यादा गेन नहीं किया है, सिर्फ आपने कमर और टमी एरिया में ही वेट गेन किया है, तो ये भी एक लक्षण माना जाता है गर्भ में बेटा होने का। दोस्तों, अगले सिम्टम्स की बात करें तो अगर प्रेग्नेंट लेडी को बच्चे की हलचल मूवमेंट्स होती है वो शुरुआती महीनों में ही महसूस होने लगे तो ये गर्भ में बेटी होने का लक्षण माना जाता है। बच्चे की ये मूवमेंट्स हलचल 2.5 से लेकर 3.5 महीने 4 महीने के दरमियान ही समझ में आती हैं, और इस लक्षण को बहुत ही ठोस लक्षण माना जाता है गर्भ में बेटी होने का। तो आप इस बात से अनुमान लगा सकती है, अंदाज़ा लगा सकती है कि आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया है। और अगर आपको बेबी की मूवमेंट 5वें 6वें महीने में फील हो रही है तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकती है कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। दोस्तों, अगले लक्षण को जानने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, और साथ में ही बेल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। दोस्तों, अगले लक्षण की बात करिए तो अगर आपके स्वभाव में नेचर में चिड़चिड़ापन आ गया है, आप हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा करने लगी है तो ये गर्भ में बेटा होने का लक्षण माना जाता है। तो फ्रेंड्स, इन लक्षणों से आप अंदाज़ा लगा सकती है कि आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया है या बेबी बॉय को। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक ज़रूर करें और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।